हम स्वाति विराट के बघेली समाचार में अपने पंचन के स्वागत करी थे। रीवा सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग 39 मोहनिया घाटी में 1004 करोड़ रुपया में 2.82 किलोमीटर लंबाई के सुरंग बनाई गई है। एखन निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कीन गा रहा है। यह सुरंग का जनता का सुपुर्द केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कीन गा है। बताए दें कि जनसमर्पण और भूमि पूजन समारोह मोहनिया सुरंग के लगे दोपहर में शुरू भा। अपना पंचन का बता दें कि यह समारोह में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री 2443.89 करोड़ रुपया के लागत में 7 सड़क परियोजना के जनसमर्पण और भूमि पूजन कीन का। बता दें कि एक हर कुल लंबाई 204.81 किलोमीटर ही। इस समारोह में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, खाद्य मंत्री और रीवा जिला के प्रभारी मंत्री बिसाहू लाल सिंह, वन मंत्री कुंवर विजय शाह, ग्रामीण विकास और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राम खेलावन पटेल, राज्य लोक निर्माण विभाग सुरेश धाकड़ मौजूद रहे। आई अपना पंचन का दिखाई थे मोहनिया सुरंग के कुछ झलकियां और सुनाई थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहा थे। आइए स्वागत भाई साहब, अभिनंदन आपका ऐतिहासिक काम के लिए। आपको विश्वास हो गया ना मैं यहाँ विधायक हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, दीप ज्योति परंपरा दीप ज्योति जनार्दन दीपो मर्त्यु मे पापा संध्यादेवी को नमस्ते। जो शुभ करता है, ज्ञान रखता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु बुद्धि का विनाश करता है, ऐसी दीप की रोशनी को हम नमन करते हैं। ये सुरंग आने जाने की सुविधा तो देगी, लेकिन पूरी दुनिया कहेगी कि ऐसी सुरंग तो भैया गुड़ रीवा और सीधी में ही है। एक बार ताली बजा के स्वागत करो गडकरी। मन का इरादा कल्पना से मस्तिष्क के धनी, पता नहीं कहां से आइडिया आते हैं। हम मांगते हैं, वो देते जाते हैं, उनके खजाने में कभी भी देश के विकास के लिए धन की कमी नहीं रहती। ऐसे हमारे शिवराज जी, माननीय मंत्री गोपाल जी, माननीय मंत्री विश्वास सिंह जी, मैं इस पर उपस्थित विशेष रूप से हमारे सांसद जनार्दन मिश्र जी, रीति पाठक जी, हमारे गणेश सिंह जी, उपस्थित सभी विधायकगण, राज्यसभा के सभी सांसदगण, सभी सम्मान्य अतिथिगण, उपस्थित भाई और बहन, मुझे बहुत खुशी है कि देश के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टनल का आज उद्घाटन हो रहा है। करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत से यह काम पूरा हुआ है। जहां 35 से 40 मिनट लगते थे, वहां 5 मिनट में आपका प्रवास होगा। और ये जो चुरट टनल और बाईपास का भी आज लोकार्पण हुआ है और इसके कारण निश्चित रूप से इस क्षेत्र के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। इस टनल में काफी बड़ी विशेषता है और इसको आप जब देखेंगे तो आप सबको बहुत अभिमान होगा। इस टनल में 300 मीटर के बाद एक टनल से दूसरे टनल जाने के लिए रोड बनाया गया है। अगर टनल में कुछ तकलीफ होती है तो तुरंत इस प्रकार के रोड का उपयोग किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें 46 एग्जॉस्ट फैन है, ऑप्टिकल फाइबर लाइनर आईटी के लिए वो भी उसका हुआ है,
इसमें ये सिस्टम है, फायर सिस्टम है, कंट्रोल रूम है और मेरा विश्वास है कैमरे लगे हुए हैं और भारत का सबसे पहला एक्वाडक ये यहाँ जिसमें नीचे पे टनल है और ऊपर में छोड़ने का निर्माण का काम भारत 2023 में पूरा हो जाएगा और इसी मार्ग में 4 अरोगी का निर्माण है जो दिसंबर 2023 में हो जाएगा। अमर पाठक, पटारी पाठक, मरछा पाठक और पाली शहर ये 4 अरोगी के नाम है। इसके अलावा 2 बाईपास भी बना रहे हैं, पाली बाईपास और शहडोल बाईपास शहर के बाहर, जिसके कारण भी आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। शहडोल से सागर टोला 486 करोड़ की लागत से 75 किलोमीटर के 2 लेन को जोड़ने का काम 2023 तक खबर हो जाएगा। सागर टोला से गंभीर चमुद्रा अमर कंटक 350 करोड़ की लागत से 86 किलोमीटर 2 लेन को जोड़ने का मार्ग का निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो जाएगा। इस मार्ग बनने से नर्मदा के उद्गम स्थल अमर कंटक तक आना जाना आसान हो जाएगा। बहनों और भाइयों, मुझे खुशी है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चौथे पहल को कर रहा है। मैं अपने को कह रहा था कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था तो उस समय के यूपीए सरकार ने लगातार 3 साल तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के लिए उनको पहला पुरस्कार लगातार दिया और आज जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं जो सिंचाई के कारण यहां के कृषि उपज का उत्पादन जो हुआ है वो बहुत ही ऐतिहासिक है और इस बात के लिए मैं शिवराज जी को बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और एग्रीकल्चर ग्रोथ जब होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होनी चाहिए और इंडस्ट्री अगर बननी चाहिए तो 4 बातें जरूरी है, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और इसीलिए मध्य प्रदेश को हम 5 ग्रीन फील्ड एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रहे हैं। दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में आप जा सकेंगे। यह हाईवे का लगभग निर्माण दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 1382 किलोमीटर 1,00,000 करोड़ का ये हाईवे है। जो पहले सड़क थी वो भी बनी हुई है, ये देश में पहली बार हुआ है। इस बात से मुझे बहुत खुशी है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस करेल के निर्माण के लिए ये इंजीनियर्स ने, हमारे अधिकारियों ने जिनका मैं सत्कार भी करने वाला हूं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विंध्य क्षेत्र में विशेष रूप से शिवराज जी ने अपने विकास के लिए प्राथमिकता दी है। उन्होंने अभी कहा कि अगर मध्य प्रदेश में बाकी क्षेत्रों में अगर 1 रुपया मिलेगा तो विंध्य क्षेत्र को 1.25 रुपया मिलेगा और उन्हीं की इस बात को भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमने भी विंध्य क्षेत्र की परियोजना को प्रायोरिटी दी है। सतना से नहर हमने ग्रीन फील्ड मार्ग जो है जो विंध्य क्षेत्र में नहर और चित्रकूट जैसे दो धार्मिक स्थलों के बीच में है, चित्रकूट प्रभु श्रीराम की तपोभूमि है और नहर में माता शारदा का मंदिर, जो श्रद्धालु चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करने आते हैं वह माता शारदा के दर्शन के लिए नहर अवश्य जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सतना से नहर तक 40 किलोमीटर ग्रीन फील्ड 2 लेन शोल्डर का मार्ग निर्माण हो रहा है और मैं आपको विश्वास के साथ बताना चाहता हूं कि यह काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। चित्रकूट से नहर के लिए 1 घंटे 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे और सतना से नहर केवल 20 मिनट में पहुंचेंगे और इसमें इटोरा कोटार से बांदी मोहर तक 5 किलोमीटर बाईपास भी बना रहे हैं। कलवारी से सिरमौर तक, रेवा जिले में कलवारी से सिरमौर तक 140 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर 2 लेन शोल्डर का डीपीआर का काम शुरू हो गया है और ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सिरमौर से डबोरा तक 152 करोड़ की लागत से
38 किलोमीटर टू लेन प्रो शोल्डर का भी डिपेयर का काम शुरू हो जाएगा, ये भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। चित्रंगी से सिंगरौली तक, सीधी जिले में बंदरा चित्रंगी सिंगरौली तक 450 करोड़ की लागत से 112 किलोमीटर टू लेन प्रो शोल्डर का काम मई 2023 तक पावर कम्प्लीट आएगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिला। केंद्रीय मंत्री और सीएम के आवय में होटल ढाबा लार्ज धर्मशाला में चेकिंग की गई और संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। कार्यवाही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में की गई। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी के कई से शहर के थाना प्रभारी के साथ होटल व ढावन में चेकिंग की गई और होटल में बिना आईडी कार्ड के कोहू का कमरा न दिन जाए और इनका चेतावागा। अपना पंचे सुनी या कार्यवाही कर लई के का कहा थी सीएसपी। जो बाईपास सर्जरी होती है, वॉल चेंज किए जाते हैं कार्ड के, उसमें जो भी सामान लगता है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ अभी सुपर स्पेशलिटी में शुरू किया है इन लोगों ने। आप कहाँ से आए? मैं। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ काम से आए हैं? हाँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, कुछ उसका सप्लाई हार्ट की सर्जरी शुरू, कुछ पेपर है क्या सप्लाई है, कुछ ऑर्डर पेपर सप्लाई भी कुछ है, ऑर्डर पेपर बस चल जाए। क्या आपके पास किसके ऑर्डर से आए हैं? नहीं, ऑर्डर से क्या, हम तो अपने मार्केटिंग विजिट पे आते हैं। कल माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का रीवा भ्रमण कार्यक्रम के दौरान आज होटलों में और लॉज और ढाबों में चेकिंग की गई है और जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं ताकि शहर को सुरक्षित बनाया जा सके। और जगह जगह पर कई और पुलिस अधिकारी जो थे वो भी कार्रवाई किए हैं, ये कैसे कार्रवाई की, कहाँ कहाँ कार्रवाई, कैसे कैसे कार्रवाई की? चूँकि ये कार्रवाइयाँ अब डेली चल रही हैं और शहर में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयाँ वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार की जा रही हैं जिससे कि शहर सुरक्षित बना रहे। होटलों में क्या चेक किया जा रहा है? होटल्स में मेन हमने रिकॉर्ड चेक किया है कि रिकॉर्ड होटल्स मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, साथ ही जो बाहरी लोग आते हैं रुकने के लिए उनके आईडी रखते हैं या नहीं, ये सारी चेक की गई हैं चीज़ें। और साथ ही जिन रूम्स में हमें लगा कि संदिग्ध लोग रह सकते हैं तो उन रूम्स को भी जाके हमने चेक किया है। चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पर्दाफाश हो गया है। चोरी के गाड़ी में सोबत मिला रहा बदमाश और बहुत सारे राजन का खोली सी। एक दिन पहले रिटायर्ड आर्मी मैन उमा शंकर तिवारी नेहरू नगर के रहे वाले आए। इन घर चार चक्का गायब हो गए रही ही जे घर शिकायत पुलिस के लगे किए रहे हैं और पुलिस गाड़ी का ढूंढ ली है और यह गाड़ी में बदमाश सोवत रहा है जे ही गिरफ्तार की गया है और यह बड़े गिरोह के सदस्य आए और ऐसे पूछताछ के बाद दुठे गाड़ी बरामद कर ली गई है और पूछताछ चलत लागी। बसोर जात के लोगन के द्वारा काला गुब्बारा छोड़ के विरोध के प्रदर्शन कींगा है। यह प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा के कई से कींगा है जो 66 दिन से चालू रहा। एमा मरे स्वरन के मुआवजा के खातिर आंदोलन में बैठे हैं। पता चला के शिवराज सिंह चौहान से मिले चाहत रहे हैं लेकिन सुरंग के कार्यक्रम में फेर बदल के कारण नहीं मिल पाए, यहीं से नाराज हो के या विरोध कीनगा है। इनका नेता केवल यह बोलीन के शिवराज गरीबन का हितुआ बतावत है लेकिन असल में यह सच्चाई न हो यह सब जानत है। आई अपना पंचे सुनी का कहते बसोर समाज के लोग। ज्ञापन पत्र हवा के माध्यम से उड़ा के भेजा है, किसको भेजा है? देखिए
दो महीने से अधिक समय से संयुक्त किसान मोर्चे की अगुवाई में बसोर समाज आंदोलित है। यहाँ 8-8 विधायक हैं, सांसद हैं और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम ऊपर के जो नेता हैं सबको ज्ञापन दिया गया है। कोई अभी तक गरीब बसोर समाज के साथियों को न्याय नहीं मिला, ना उनकी मांगों पर कोई विचार किया गया है। हम लोगों ने ऐलान किया था 26 नवंबर को भोपाल के अंदर कि जिस दिन शिवराज सिंह रीवा आएंगे उनको घेरने का काम किया जाएगा, लेकिन जो 3-4 दिन से प्रोग्राम आते थे उससे हम लोगों को गुमराह किया गया और ना ही प्रशासन ने मिलने की बात किया। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से निरंकुश और तानाशाह हो गई है और ये सिर्फ हवा में बात करते हैं। हवा हवाई मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम हवा में ज्ञापन सौंप करके गुब्बारे के माध्यम से भेज रहे हैं कि शायद ये हमारा ज्ञापन जो है हवाई जहाज में बैठे बैठे ये हमारा ज्ञापन पकड़ लें, कुछ तो इनके दिमाग आए, कुछ तो गरीबों के बारे में ये सोचें। इसलिए आज हम लोगों ने ये विरोध का तरीका अपनाया है और आगे हम ऐलान करते हैं इस रीवा के अंदर कि कितना आप भागोगे, जिस दिन आप रीवा की धरती से गुजरोगे तो तुम्हें घेरने का काम किया जाएगा। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे हैं जो बसोर समाज के सुअर मरे उनको मुआवजे का मामला है, उनको जो बांस बंद कर दिया गया, बांस उपलब्ध कराती थी सरकार, बांस बंद कर दिया है, ये तमाम मुद्दे जो है जुड़े हैं। और जो वेटनरी विभाग के आला अधिकारी हैं जिन लोगों ने सुअरों को इंजेक्शन से शूट किया उनके खिलाफ FIR का भी मामला है कि उनके खिलाफ FIR कायम हो। हाँ, ये प्रेजेंट सरकार जो है ये आदिवासियों की ये पिछले जाति के लोगों की बात करती है, उन्हीं के वोट बैंक से आज सरकार बैठी है, आपका क्या मानना है कि उनको यूज किया जा रहा है? देखिए, हम लगातार कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर हैं ये फर्जी बात करते हैं गरीबों की। ये इनको यदि गरीबों की सुनना होता तो इनके कोई ना कोई तो प्रतिनिधि आज तक धरने पर आते। पूरी तरह से ये गरीब विरोधी हैं और ये प्रदेश विरोधी हैं। जनहित से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं इस मुख्यमंत्री। आज विभिन्न प्रदेशों में उनकी सरकार बन रही है तो क्या नीति है उनकी, क्या कैसे आ जाते हैं? देखिए, अब चुनाव के हथकंडे हैं, अभी गुजरात का चुनाव हुआ है तो वहाँ तमाम इन्होंने उद्योगपतियों को धमकी दिया है कि हमारी केंद्र में सरकार है, यदि हम यहाँ पर हमारी सरकार नहीं बनी तो आपको भारी नुकसान होगा। इस तरह से तमाम धमकियाँ दे करके इन्होंने गुजरात के अंदर कब्जा करने का काम किया है, लेकिन देश के अंदर 2024 में इनको उखाड़ फेंकेंगे। आज खातिर इतना ही, बघेली मविंद के समाचार देखे खातिर बने रहे विराट के साथ। नमस्कार।